मुदित को नौकरी करते हुए 3 साल हो गए हैं। अभी उनकी मंथली सैलरी 40,000 रुपए है। उन्होंने थोड़े बहुत पैसे बचाए हैं और अब नई कार खरीदना चाहते हैं, लेकिन ज्यादा महंगी कार भी नहीं खरीद सकते हैं। अब वे समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सी कार खरीदें जो बजट में आ जाए और लोन की ज्यादा टेंशन भी न रहे। अगर आपकी भी मंथली इनकम 40,000 से 50,000 रुपए है और आप कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे कि कौन सी कार लें जो आपकी पसंद और बजट दोनों को सूट करे, तो ये खास रिपोर्ट आपके लिए ही तो है। भारत में एंट्री लेवल की कारें करीब 4.5 लाख रुपए से शुरू होती हैं। अगर आपका बजट कम है और ऑफिस आने जाने या पर्सनल यूज के लिए आप 3 से 4 लोगों के परिवार के लिए कोई छोटी कार खरीदना चाहते हैं, तो एंट्री लेवल कार खरीद सकते हैं। इन सस्ती एंट्री लेवल कारों में रेनो क्विड, मारुति एल्टो और सित्रों C3 शामिल हैं। अगर आपका थोड़ा और बजट है और परिवार और कंफर्ट का खास ध्यान रख रहे हैं, तो मिनी या माइक्रो SUV ले सकते हैं। इनकी कीमत करीब 6 लाख रुपए से शुरू होती है और इस कैटेगरी में टाटा पंच, निसान मैग्नाइट, रेनो काइगर कुछ सस्ती कारें हैं। कार खरीदते समय एक और बात ध्यान में रखनी चाहिए। अब दिल्ली NCR में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल कार नहीं चला पाएंगे। सरकार इस नियम को देश भर में लागू कर सकती है। ऐसे में आपकी कार की वैल्यू हर साल कम होती जाएगी। अगर आप दिल्ली में इस वक्त 10 लाख रुपए की कार खरीदते हैं, तो उस कार की कीमत हर साल करीब 1 लाख रुपए कम होती जाएगी और कुछ सालों बाद आपकी कार कबाड़ के भाव बिकेगी। इसलिए 10 लाख रुपए के आसपास के बजट में EV लेना फायदे का सौदा हो सकता है। सरकार इस पर आपको सब्सिडी भी देती है। इस समय ठीक ठाक साइज वाली सबसे सस्ती ई कार की कीमत करीब 12.5 लाख रुपए से शुरू होती है, लेकिन सरकार से मिलने वाली सब्सिडी के साथ इसकी कीमत करीब 10 से 10.5 लाख रुपए पड़ेगी। अब कार की खरीद में लोन का मामला भी समझ लेते हैं। मुदित जैसे 40,000 रुपए कमाने वाले व्यक्ति को अगर 10 लाख रुपए की कार खरीदनी है और वो कम से कम 2 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करता है, तो इसके बाद उसे 5 साल के लिए करीब 14,000 रुपए मासिक किश्त भरनी होगी। ये राशि उसकी सैलरी का लगभग 35% होगी। इस वजह से बजट के ऊपर जाने पर उसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ऐसे में अगर आपके पास डाउन पेमेंट के लिए एक बड़ी रकम है तो ठीक है, वरना आपके लिए एंट्री लेवल कार ही सही डील होगी। अब जाते जाते हम आपको कार खरीदने से जुड़े कुछ टिप्स देना चाहेंगे, तो उन्हें गौर से सुने। टॉप मॉडल की कार की बजाय बेस मॉडल को लेकर आप एक्स्ट्रा खर्च बचा सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप टाटा की एल्ट्रोज लेते हैं, तो इसके बेस मॉडल की कीमत 6,30,000 है, वहीं टॉप मॉडल की कीमत 10,25,000 रुपए तक जाती है। पेट्रोल डीजल कार की बजाय CNG कार ले सकते हैं। CNG कार में CNG और पेट्रोल दोनों से गाड़ी को चलाने का विकल्प होगा। ऐसे में CNG कंपैरेटिवली सस्ता होने से ईंधन पर होने वाला खर्च बचा सकते हैं। कार खरीदने के बाद उसकी एसेसरीज पर भी पैसे बचा सकते हैं। मतलब कार की शोरूम से महंगी एसेसरीज खरीदने की बजाय वही एसेसरीज आप बाहर से कंपैरेटिवली कम पैसे में खरीद सकते हैं।